सो आई एम डन विद ऑफिस। ऑफिस से थोड़ा जल्दी आना पड़ा बिकॉज दैट ट्रक इज ऑलमोस्ट अप्रोचिंग भुवनेश्वर, सो पहुंच जाना चाहिए वो नेक्स्ट 30 मिनट्स। मेरे को ही वहाँ पहुँचने में लगेगा अभी क्लोज टू 30 मिनट्स, एंड ट्रक जबकि इतना बड़ा ट्रक है वो सिटी के अंदर घुस नहीं सकता। सो वी नीड टू टेक द बाइक टू द हाईवे टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स रेस्टोरेंट लोकेशन, वहाँ जाएंगे गाड़ी को वहाँ पैक करेंगे। सो टाइम इज़ राइट नाउ 4:15 PM एंड आई होप वी शुड बी डन बाय लाइक 5 or 5:30, क्योंकि मेरे को लौटने के बाद फिर जाके रात 9 बजे वाला उड़िया वीडियो को एडिट करना पड़ेगा। यार ट्रैफिक में ये गाड़ी को चलाना इज सच ए हेडेक। इतना ज़्यादा गर्म होता है, इतना ज़्यादा गर्म होता है कि आप स्लो इसको चला ही नहीं सकते। यू हैव टू राइड इट फास्ट टू मेक श्योर इट्स नॉट गोइंग टू बर्न योर लेग्स। मैं तो अभी नॉर्मल जीन्स पहन के चला रहा हूँ, आई एम नॉट इवन वेयरिंग एनी राइडिंग पैंट्स और एनीथिंग। अरे ट्रक वालों को कौन देता है कौन फिटनेस, आगे पीछे कहीं है ही नहीं नंबर प्लेट, ये कुछ भी नहीं है, ओनली नीचे में एक लाइट लगा हुआ है। सो टाइम इज 4:23 PM एंड एज पर द लेटेस्ट अपडेट ट्रक भाई साहब पहुंच गए हैं अपने को, और ओनली 10 मिनट लगेगा उनके पास पहुंचने के लिए। ये लो रॉन्ग साइड से, यार आज तो गाली भी देने के लिए मन नहीं कर रहा है लोगों को, छोड़ो दैट्स राइट। एंड ये S1000 आ रहा जैसे पिकअप लेता है, आई डाउट इफ देर इज एनी अदर बाइक इन द वर्ल्ड विच टेक्स सच काइंड ऑफ एक्सेलरेशन थ्रस्ट। क्या आता है मतलब RS V4 मैंने चलाया, V4S मैंने चलाया, Kawasaki 10R मैंने चलाया, H2 मैंने चलाया, आई मीन S1000 का फील ही कुछ अलग है। द मोमेंट यू टच द थ्रॉटल दैट साउंड। एंड ये S1000 को सिटी में चलाने का एक ही बड़ा प्रॉब्लम है, ये साला इतना ज़्यादा लाउड है, लोगों को लगेगा स्टाइल मार रहा है शो ऑफ, पुलिस को लगेगा क्या बेकार वाला लड़का आ गया ये वो। तो मैं जितना भी ट्राई करता हूँ साइलेंट रहने के लिए वो उतना साइलेंट रहता ही नहीं है। इवन इफ आई एम यूजिंग द DB किलर द बाइक इज स्टिल प्रीटी लाउड, एंड दैट इज द मेन रीजन व्हाई आई डोंट राइड दिस बाइक टू माई ऑफिस। मतलब मोस्टली मैं ऑफिस लेके जाता नहीं, कभी कभी लेके जाता था, एंड नॉर्मली आई जस्ट यूज इट फॉर माई संडे राइड्स ओनली, जबकि रोड्स अच्छा रहता है ना, अगर रोड्स अगर खराब रहता तब तो एनीवेज अपना GSA निकलता है, बट आई ऑलवेज कीप ऑन मिसिंग द roar of this 1000RR. I mean, you just have to stand and listen to the music. It's a symphony. It's not music. It's symphony. भाई साहब ने हमें lock कर दिया है, अभी lock से निकलना पड़ेगा। ओ, अभी चले जाता है एक तरफ का glass. Disky. यार जब RSV4 गया था तब मेरे को इतना ज़्यादा मतलब I was not feeling that bad because when the RSV4 went the S1000 was already ordered and I was waiting for the new bike. So तब एक अलग तरह का excitement था कि चलो RSV4 जा रहा है, I've already ridden the RSV4 for like more than 8 or 9,000 kilometers, जा रहा है अभी नया bike आएगा, but this is the first time when I am letting one of my bike go but it's not getting replaced with a new bike. So इसीलिए थोड़ा खुजली हो रहा है कि क्या करें, नया bike आ जाए नहीं, थोड़ा wait तो करेंगे। So we need to take some good decisions this time. बहुत हो गया गाड़ी 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 हो के मैं पागल हो गया इतने सालों से, तो अभी थोड़ा मैच्योर वाला डिसीजन लेना ही पड़ेगा। सो जस्ट रीच द लोकेशन विद द बाइक, सो बाइक का अपना लास्ट वाला राइड भी खत्म, लास्ट अभी आने के टाइम पूरा स्लो स्लो के मेरा पैर पूरा जल गया। एनीवे सो डन विद द राइड, डन विद द लास्ट राइड एज वेल, लास्ट राइड वाला वीडियो आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। सो नाउ द ट्रक इज रीचिंग इन नेक्स्ट 5 or 10 minutes, उसका लोड करके निकलेंगे घर जल्दी से। इट्स ऑलरेडी क्लोज टू 5 PM, बस रात नहीं होना चाहिए क्योंकि अपने को थंबनेल ट्रक में लोड करने के बाद ही अपन थंबनेल लेंगे। और एक बार लास्ट पर भी देख लो, चढ़ा देता।
अपना ट्रक पहुंच चुका है, ट्रक में अभी ऑलरेडी 4-5 गाड़ी है। साइड में हम चेक करके बाइक को चढ़ाएंगे, अभी पैक कर देंगे। इट्स ऑलरेडी लाइक क्लोज टू 5:20, रात होने से पहले अपने को चढ़ा के थंबनेल वाला फोटो उठा। तो यार फाइनल बार एक बार पेपर को अपना चेक कर देते हैं। सो कीज हैव बीन गिवन और एक की भी है। एक बार गाड़ी को लोड करने के बाद वो की भी पैक कर देंगे। इनवॉइस, इंश्योरेंस, इम्पोर्ट वाला पेपर, कंपनी डॉक्यूमेंट्स और जितना भी था, इतना पेपर और तो रहता ही है, खाली इम्पोर्ट है, इतना सारा पेपर है। ऑल द पेपर गिवन, सब कुछ हो गया। अभी ओनली अब ये ट्रक में प्रिपरेशन चालू है, उसके बाद जाके वो जो साइड वाला देख रहे हो उसी से गाड़ी को चढ़ाया जाएगा, एंड देन वी शुड बी डन। एंड अपना ये डॉक्यूमेंट वाला बुक में भी देख सकते हो लिखा हुआ है सोम BMW S1000RR नंबर भुवनेश्वर कोलुमा कांदी। एनी क्वेश्चन? सो लास्ट बार ये एक बार हम देख लेते हैं, लास्ट बार अपना गाड़ी को भी एक बार देख लेते हैं। एंड इट वाज जस्ट लुक सो गुड एंड सो शार्प। सो गाड़ी का अपना सब काम खत्म, गाड़ी अभी पहुंच जाना चाहिए डेस्टिनेशन में नेक्स्ट 3 or 4 days, एंड उसके बाद जाके बहुत याद आएगा। अभी गाड़ी तो चले गया, अपना लास्ट राइड व्हीकल हो गया। अभी मैं भी ट्रैफिक मतलब पूरा, कभी मैं नॉर्मली कभी भी अपना S1000 कभी ट्रैफिक में नहीं चला था। आज ओनली ये लोडिंग का काम था, उसीलिए मेरे को अभी ट्रैफिक में आना पड़ा। पैर जल गया, बट आई लव टू द लास्ट राइड। एनीवेज इट्स गोइंग टू बी इमोशनल मोमेंट एंड आई एम गोना मिस माय बाइक, बट या एवरीथिंग व्हाट कम्स इट गोस समडे एज वेल। लोड करो, करें आप करो या मैं करूं? आप कर दो, मैं आपको बताता हूं। सभी जो सीट हम किए इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इसका तो बिल्ली पहले नीचे वाला वो इतना बड़ा कार्बन फाइबर पार्ट है, वो आगे जाके जो अपना व्हील वाला चोक में लग रहा है, उसको थोड़ा जुगाड़ करना पड़ रहा है आगे, मतलब वो ब्रेक उसको जुगाड़ करके पैक करवा रहे हैं। चलो अपना लोडिंग इज डन, ऐसे करके पैक करके अभी आगे एंड पीछे दोनों जगह चोक दिया जा रहा है। ऑन द चोकिंग इज डन तो मैं उतर सकता हूँ, तब तक उतर भी नहीं सकते यार, चढ़ाने में खतरनाक प्रॉब्लम था। ये सब लोडिंग वाला व्हीकल का ऐसा है मतलब निकलना चाहिए पूरा एज पे होना चाहिए, पूरा एज में ऐसा रहता है अगर आप थोड़ा भी इधर उधर हुआ है गाड़ी गिरने का बहुत सारा चांस है, आपने तो देखा होगा ऑलरेडी अपना फुटेज में। अभी अपना आगे वाला चोकिंग जैसा हुआ है, अभी इस तरफ एक फैट बॉय है, देख सकते हो फैट बॉय है, एंड मेरा जो फ्रेम स्लाइडर के बीच में दो फिंगर का स्पेस है, मतलब एक बड़ा वाला अगर ये ट्रक एक बड़ा वाला स्पीड हम्स या फिर स्पीड ब्रेकर में गया, फैट बॉय को लेके चले जाएगा मेरे स्पंप हो जाए। सो लोडिंग इज डन सक्सेसफुली, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लोड होके कैसे छूट दिया गया है। सो दिस इज हाउ इट हैज बीन डन। एंड अभी ये जो अपना देख सकते हो यहाँ ये बेली पैन लगता है, उसी आगे थोड़ा मतलब जुगाड़ किया गया है, आगे ये देख के पैकिंग करके उसको लॉक कर दिया गया है, गियर में है। तो दिस इज डन, दिस इज डन, एवरीथिंग डन, बाइक लुक स्ट्रेट एज वेल, ठीक है, परफेक्ट। एग्जॉस्ट नहीं है, ये एग्जॉस्ट है, इसके अंदर जो भी छोटा मोटा सामान है, टाइम हो गया टायर, डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, डॉक्यूमेंट का कटा नहीं है सुधीर, आपका एग्जॉस्ट तो एक गाड़ी का स्पेस ले लेगा, अभी लोगे कैसे? एग्जॉस्ट तो एक गाड़ी का स्पेस ले लेगा, लोगे कैसे? ले लेंगे जैसे लेनी पड़ेगी इसकी, ले तो जाएंगे। तो ऐसे हो के पूरा पैकिंग हो गया है, इसको पूरा कवर वोवर रैप करके अभी लिया जाएगा। सो देखते हो अभी अपना फैट बॉय ये वाला जैसे लोड हुआ है पूरा पैकिंग हो के, दैट इज हाउ द S1000 इज गोइंग टू गेट पैक्ड एंड रैप। डॉक्यूमेंट दो चाहिए अपन पीटी जो, आपका हिंदी हमें समझ में नहीं आ रहा, कौन सा भाषा बोल रहे? पंजाबी। हाँ, हम जो बोलने लगे आपको पता नहीं चलेगा क्या, तो भांगड़ा करना पड़ेगा, आप ओडिशा है तो भांगड़ा करना पड़ेगा, करा लगाओ। हाँ ला जा, पेन है पेन दे दो, ये पूरा फॉर्मेट कर दीजिए, जो जो फॉर्म दरकार
सब कर दी सिग्नेचर करने के लिए सिग्नेचर करके अपन निकलते हैं और इट्स ऑलरेडी लाइक 6 ऑलमोस्ट 6 पीएम जल्दी से घर पहुंच के फिर अलग वाला वीडियो भी एडिट कर सो गया दी एंड अब इसको रैप अप किया जाएगा तो रैप क्या अभी करे हुए ना रैप अप करके लेके जाना आराम से पहुंच के तो फिर एक फोटो भेज देना कि ठीक ठाक मेरा गाड़ी पहुंचा कि नहीं पहुंचा हां कोई दिक्कत नहीं है भाई आराम से लेके जाइए चलो जिंदगी भर जिंदगी गुड बाय थैंक यू बाय So that's all about my journey with the S1000RR and we're gonna see about a new machine maybe. I will see you guys tomorrow in a new vlog. Bye bye.